जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एचडी डिफेंस चैनल में। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हर बार भारत को स्थायी सदस्यता दिए जाने का विरोध करने वाला चीन इस बार हमारे भारत के जाल में बुरा फंस गया है। दोस्तों, यह बहुत लंबे समय बाद हुआ है कि हमारे भारत ने चीन का ऐसा इलाज किया है कि चीन अब अपनी वीटो पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और अब हमारे भारत की चौखट पर नाक रगड़ने के लिए भी तैयार हो चुका है। दोस्तों, हमारे भारत ने खेल ऐसे बदला है कि चीन ने भी कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि उसे एक दिन भारत के आगे झुकना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, चीन के ट्रेड की चाबी अब भारत के हाथ यूं लगी है कि भारत की अनुमति के बगैर चीन किसी भी देश के साथ खरीद या उसे अपने देश का सामान बेच नहीं सकता। उसे किसी भी देश के साथ ट्रेड करने के लिए भारत की इजाजत लेनी ही पड़ेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दुनिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण और हस्तांतरण करने वाला एक ऐसा संगठन है जो पूरे विश्व में पक्षपात और मानव रहित विमान यानी कि ड्रोन से संबंधित प्रौद्योगिक क्षमता रखता है। इस परमाणु मिसाइलों के प्रसार को रोकने के लिए एवं उन पर नियंत्रण रखने वाला यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस संगठन की अनुमति के बगैर कोई भी देश किसी भी दूसरे देश से मिसाइल टेक्नोलॉजी या पक्षपात ड्रोन इत्यादि डिफेंस के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले प्रोडक्ट को खरीद या बेच नहीं सकता। वर्तमान के समय में दोस्तों, इस संगठन में अमेरिका, रूस, इटली और जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं 35 देश शामिल हैं। अब हमारा भारत भी 27 जून 2016 को इस संगठन का सदस्य बन चुका है। इस संगठन की खासियत यह है कि यदि 35 देश में से कोई एक भी देश आपत्ति लगा दे तो किसी 36वें देश को न तो इसमें शामिल किया जा सकता है और न ही किसी अन्य दूसरे देश को यह अपनी मिसाइल या ड्रोन बेच सकता है। अब दोस्तों, देखा जाए तो अगर चीन को अपने देश का प्रोडक्ट दूसरे देश में बेचना है तो उसे इस ग्रुप में शामिल होना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, चीन को अगर किसी दूसरे भी देश को अगर अपने देश की डिफेंस टेक्नोलॉजी या फिर कोई ड्रोन अगर उसे बेचना है तो उसे इस संगठन की मंजूरी लेनी ही पड़ेगी। और जो देश इसके सदस्य नहीं है वह तो न किसी दूसरे देश को 300 किलोमीटर की दूरी से अधिक मारक क्षमता वाली किसी भी परमाणु मिसाइल को बेच नहीं सकते या उन्हें दे नहीं सकते हैं। और दोस्तों, देखा जाए तो चीन इसका सदस्य नहीं होने के नाते चीन अपनी मिसाइलों को पाकिस्तान समेत किसी और दूसरे देश को नहीं बेच सकता और ना ही उससे खरीद सकता है। इससे चीन का रक्षा व्यापार धीरे धीरे पिट गया है। चीन में इसमें शामिल होने के लिए कई बार प्रयास किया। एक बार तो अमेरिका, रूस समेत सभी देश चीन को संगठन में शामिल करने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज कराकर चीन को इस संगठन का सदस्य नहीं बनने दिया। इसीलिए दोस्तों, चीन अब बिल्कुल तिलमिला सा गया है, क्योंकि चीन भी जानता है कि अगर उसे अपने देश की इकोनॉमी को मेंटेन करना है तो उसे अपने देश की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसे किसी दूसरे देश को बेचना ही पड़ेगा। लेकिन चीन इस संगठन में न होने के नाते किसी भी दूसरे देश को अपने घातक मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं बेच पा रहा है। वैसे दोस्तों, अब हमारे भारत के पास एक सुनहरा मौका है कि जिस प्रकार भारत यूएनएससी में स्थायी सदस्यता को लेकर कई अनेकों प्रस्ताव पारित किए, लेकिन चीन ने जितनी बार उस प्रस्ताव को खारिज किया है तो अब यूएनएससी में चीन के विरोध का पूरा हिसाब लेने का समय आ गया है। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों हमारे भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दे दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।